يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حاضرین محترم، ماہانہ درس قرآن و حدیث کی یہ مبارک محفل ہے جس میں ہم سب نور قرآن سے اور تجلیات حدیث مبارکہ سے اپنے قلوب و اذہان کو معطر کرنے کے لیے ہر مہینے یہاں جمع ہوتے ہیں. اللہ رب العزت اس مبارک درس قرآن و حدیث کی محفل کو اپنے حضور میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جن احباب گرامی نے آج کے درس قرآن و حدیث کے لیے کاوش، کوشش، محنت کی، اور جتنے بھی میرے نبی کریم علیہ السلام کے غلام آج کے درس میں تشریف لائے، حاضری دی، اللہ رب العزت سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. آج کے درس قرآن میں 15ویں پارے میں سے سورہ بنی اسرائیل کی آیات مبارکہ کی روشنی میں والدین کی عزت، والدین کے احترام اور والدین کے مقام پر انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی توفیق سے کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے. ان آیات کریمہ میں اللہ کریم نے فرمایا وَقَدَا رَبُّكَ، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، یہ حکم دے دیا ہے کہ تو اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے. وَقَدَا رَبُّكَ اللہ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ جب بھی تم عبادت کرو تو اسی رب کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے سوا پوری کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ کریم کی عبادت کے فوراً بعد اس آیت کریمہ میں جس حق کا ذکر کیا گیا ہے اور جن سے حسن سلوک کی تعلیم دی گئی ہے وہ والدین ہیں، ماں اور باپ ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آیت کریمہ کے اس ابتدائی حصے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حقوق اللہ میں سے سب سے بڑا حق اللہ رب العزت کا اس کے بندوں پر یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. یہ اللہ کے حقوق جو بندوں پر ہیں ان میں سے سب سے بڑا حق جو ہے وہ اپنے رب کریم کی عبادت ہے، اس کی بندگی ہے. اور حقوق العباد میں سے، یعنی ایک آدمی کے دوسرے آدمی پر جو حق ہیں، ان حقوق العباد میں سے سب سے اونچے درجے کا حق جو ہے پہلے نمبر پر وہ ماں اور باپ ہے، والدین ہیں. حقوق العباد میں سب سے بڑا حق جو ہے وہ حق الوالدین، والدین کا حق ہے اولاد پر.
बाकी तमाम हुकूक जो हैं वो बाद में आते हैं। सबसे ऊपर दर्जे का हक जो है वो वालिदैन का हक है। इसीलिए 15वें पारे की सूरह बनी इसराइल की इस आयत में अल्लाह की इबादत और बंदगी के फौरन बाद जिस हक का जिक्र किया गया है वो वालिदैन से हुस्न सलूक का जिक्र किया गया। इसमें हुक्म आ गया वबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन से माँ बाप से हुस्न सलूक रखो। फिर इसी आयत के अगले हिस्से में फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, कि तुम्हारी जिंदगी में माँ बाप दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं, तुम्हारे सामने वो बूढ़े हो जाएं, औ किलाहुमा दोनों बूढ़े हो जाएं या दोनों में से एक बुढ़ापे की मंजिल को पहुंच जाए। फला तकुल्लहुमा उफ्फिन, कि बुढ़ापे की उम्र में तुम्हारी जिंदगी में माँ बाप जब पहुंच जाएं या दोनों में से एक बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं, बूढ़े हो जाएं, तो पहला हुक्म ये आया कि उनके सामने उफ तक न करो। ला तकुल्लहुमा उफ्फिन, उफ का लफ्ज बेनियाज रब ने कुरान में यहाँ इस आयत के अंदर बयान फरमाया कि माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उनके सामने उफ तक न करो। ये पहला हुक्म है। इसके बाद फिर दूसरा हुक्म आया कि ला तनहरहुमा, कि माँ बाप से जब बातचीत करो गुफ्तगू करो तो वो तो बूढ़े हैं, बुढ़ापे की वजह और बीमारी की वजह से तबीयत में मिजाज में तुरशी आती है, चिड़चिड़ापन आता है, लिहाजा उस वक्त औलाद की आजमाइश और इम्तिहान शुरू हो जाता है। इसलिए बात करने का तरीका सिखाया जा रहा है कुरान मजीद की इन आयात में। पहला हुक्म तो ये है कि वबिल वालिदैन इहसाना, माँ बाप से अच्छा सलूक करो। दूसरा हुक्म आया जब बूढ़े हो जाएं उनके सामने उफ तक न करो। तीसरा हुक्म आया ला तनहरहुमा, कि माँ बाप से जब बात करनी है तो झिड़कने के अंदाज में बात नहीं करनी, जैसे उस्ताद शागिर्द को डांटता है झिड़कता है, माँ बाप औलाद को झिड़कते हैं। चूंकि बुढ़ापे की वजह से उनके जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतें कमज़ोर पड़ जाती हैं, जिस्म भी कमज़ोर हो जाता है, इसी तरह उनकी सोच और तख़य्युलात पर भी असर होता है बुढ़ापे का, लिहाजा माँ बाप की बुढ़ापा बीमारी और तलखी और तुर्शी का जवाब तुम्हारी तरफ से झिड़कने के अंदाज में नहीं होना चाहिए, कि माँ बाप को झिड़कने से भी आयत करीमा में मना किया गया। ला तनहरहुमा, कि माँ बाप को झिड़को मत, झिड़कने के अंदाज में बात न करो। वकुल्लहुमा कौलन करीमा, चौथा हुक्म ये आ गया कि उनके सामने जब भी बात करो ना तो धीमे लहजे में, नरम लहजे में, आहिस्ता लहजे में माँ बाप से बात करो। कुल्लहुमा कौलन करीमा, कौले करीम इख्तियार करो, तुम्हारी गुफ्तगू में अंदाज़े कलाम में नरमी होनी चाहिए, एहतराम और अदब का पहलू जो है वो बरकरार होना चाहिए। तुम्हारी गुफ्तगू सुनने वाला ये अंदाज़ा लगा ले कि अपने वालिद या वालदा से बात कर रहे हैं तो एहतराम को कायम रखा हुआ है, उनके मकाम और मर्तबे का लिहाज रख रहा है और बड़े मुअद्दबाना तरीके से बात कर रहा है, लहजा भी नरम है, गुफ्तगू का अंदाज भी जो है बड़ा धीमा है। इस आयत करीमा के जो लफ्ज़ हैं ना कुल्लहुमा
قولاً کریماً, اس میں یہ سارا مفہوم آ گیا کہ دھیما لہجہ ہو, گفتگو نرم انداز میں ہو, ترشی نہ ہو, تلخی نہ ہو, آواز بلند نہ ہو, پست آواز میں ماں باپ سے بات کرو. یہ ساری چیزیں کلہما قولاً کریماً میں آ گیا. چار حکم اس آیت کریمہ میں آ گئے. اب اس سے اگلی آیت جو ہے اس میں پانچواں حکم آیا. یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ دین اسلام میں ہر شخص کے لیے اس کی ماں اور باپ کا اتنا اونچا مقام رکھا گیا, انہیں اتنی رفعت عطا کی گئی کہ بڑی تفصیل میں ان کے ادب و احترام کو قائم رکھنے اور ان کی تعظیم کے طریقے اور آداب جو ہیں وہ بے نیاز رب قرآن مجید میں سکھا رہا ہے. اسی اگلی آیت کے اندر بات کرنے کا طریقہ سمجھایا گیا. سنیے قرآن کی آیت کریمہ, یہ بھی سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت سے اگلی آیت ہے. وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. یہ دونوں کندھے جو ہیں نا, انہیں جھکا کر ماں باپ سے بات کرو. آپ اندازہ لگائیں کہ ماں باپ کا کتنا مقام ہے. اولاد کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ماں باپ سے بات کرتے وقت سینہ تان کے بات کرنا یا اکڑ کر بات کرنا, یہ کتنا ناپسند ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں کہ باقاعدہ قرآن کی آیت میں حکم دیا وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. جیسے پرندے کے دو پر آپ نے دیکھے ہیں نا, عاجزی کے پروں کو جھکاؤ, یہ لفظی معنی یہی ہے. عاجزی کے پر جھکاؤ یعنی یہ تمہارے کندھے جو ہیں یہ بالکل جھکے ہوئے ہوں اور ماں باپ سے ادب و احترام کے لہجے میں بات کرو. وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, یعنی عاجزی اور انکساری سے ماں باپ سے بات کرو. تکبر, غرور, ڈانٹ ڈپٹ کا انداز, سینہ تان کر ماں باپ سے گفتگو کرنا, بات کرنا, سختی سے ان ساری باتوں سے روک دیا گیا. ہر اولاد کو, خواہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو, سختی سے منع کر دیا گیا. وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اور پھر اس کے بعد بازو اور کندھے جھکا کر ماں باپ سے بات کرنا, عاجزی انکساری سے بات کرنا پانچواں حکم ہے. اور چھٹا حکم ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اس آیت کا ترجمہ سنانے سے پہلے میں ایک حدیث شریف عرض کرتا ہوں تاکہ اس حدیث شریف کو آپ سنیں گے, پھر اس کے بعد اس آیت کا ترجمہ جب ہم پڑھیں گے مل کر تو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, لا یجزی ولد والدا. یہ حدیث ایسی ہے کہ جسے پڑھتے ہوئے آدمی کانپ جاتا ہے. جس کے اندر درد دل ہو, دین کی محبت ہو, اسے حضور کے غلام ہونے کا دعویٰ ہو, تو وہ ایک دفعہ اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر لرستا ہے, کانپتا ہے. غور سے سنیے, لا یجزی ولد والدا. یہ ولد کا لفظ جو ہے یہ بیٹی اور بیٹے دونوں پر بولا جاتا ہے, لہذا بمانا یہ ہوگا لا یجزی ولد والدا, کوئی بیٹی کوئی بیٹا ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا. جو حق الخدمت ہے, ماں باپ کی خدمت کا حق جو ہے, جیسے حق ہے ایسے کوئی کر ہی نہیں سکتا, وہ حق ادا کیا ہی نہیں جا سکتا. لا یجزی ولد والدا الا ان یجدہ مملوکا. ہاں استثناء کیا گیا کہ ایک بات ہے
किसी की माँ किसी का बाप अगर गुलाम हो उन्हें खरीद कर वो आजाद कर दे, माँ बाप गुलाम हो और उन्हें खरीद कर जो आजाद कर दे, तो वो कह सकता है कि माँ बाप की खिदमत का हक अदा कर दिया है। इसके अलावा जितनी भी खिदमत करेगा वो माँ बाप की खिदमत का हक अदा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यज्जी वलदुन वालिदा, कोई बेटी कोई बेटा माँ बाप की खिदमत का हक अदा कर ही नहीं सकता। तो अब चूंकि पूरी दुनिया में गुलाम कोई नहीं, गुलामी का तसव्वुर खत्म हो गया, लिहाजा अब ये सूरत भी मफकूद हो गई और इस फिर आयत करीमा का मफहूम समझने के लिए इस हदीस को देखें। फिर इस हदीस का मफहूम ये हुआ कि चूंकि गुलामी का तसव्वुर ही खत्म हो गया, लिहाजा जितनी मर्जी को खिदमत करता रहे माँ बाप की जो खिदमत का हक है वो अदा हो ही नहीं सकता। यहां मुझे एक और हदीस याद आ गई, उसके बाद फिर मैं उस आयत की तरफ तर्जमे की तरफ आऊंगा। एक शख्स ने अपनी वालिदा को कंधों पे उठाया था और वो बैतुल्ला शरीफ का तवाफ करा रहा था, वालिदा को कंधे पे उठाकर काबतुल्ला का तवाफ करा रहा था, तो हुजूर तशरीफ ले आए। उसने अर्ज की, हुजूर मैंने अपनी बूढ़ी माँ को कंधों पे उठाकर तवाफ कराया है, तो क्या मैंने अपनी माँ की खिदमत का हक अदा कर दिया है? तो हुजूर ने फरमाया, जब तू पैदा हुआ था तुझे जन्म देने में माँ ने जो तकलीफें सही थी ना, वो एक तकलीफ का भी बदला नहीं, तू सिर्फ सात चक्कर लगवा कर कंधे पे उठा के कहता है कि मैं माँ की खिदमत का हक अदा हो गया। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माँ ने जो तकलीफें उठाई थी ना, जो दर्द उठाए थे, जो अजियतें झेली थी, किसी एक तकलीफ किसी एक अजियत और किसी एक दुख का भी ये बदला नहीं, अंदाजा फरमाइए। अब उस आयत करीमा की तरफ आते हैं। इन दोनों हदीसों से ये मालूम हुआ कि माँ बाप की खिदमत का जो दर्जा है उनका जो हक है वो पूरा हक तो अदा कर ही को नहीं सकता। फिर बेनियाज रब ने फरमाया कि फिर इतना जरूर किया करो, तुम तो जितना भी करोगे हक अदा नहीं होगा, फिर इतना तो करो ना, वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, फरमाया इतना तो करो ना, हाथ फैलाकर मेरी बारगाह में दुआ किया करो, तुम तो जितनी भी खिदमत करोगे हक अदा नहीं होगा, लिहाजा एक काम करो। वो काम क्या है? पर मैं कुल और यूं कहा करो, मेरी बारगाह में यूं अर्ज किया करो, रब्बिर हम हमा, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे रब, इरहम हमा, मेरे माँ बाप पर इस तरह अपनी रहमतें नाजिल फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे उन्होंने मुझे पाला जब मैं बिल्कुल छोटा सा था, सगीरा मैं छोटा सा बच्चा था, पैदा हुआ था, मेरी माँ ने मुझे संभाला, मेरी परवरिश की, मुझे पाला, तो जिस तरह मेरी माँ ने मेरे बचपन में मुझे संभाला, मेरी परवरिश की, मुझे पाला, बारी ताला तू अपनी शान करम के लायक मेरे माँ बाप पर इस तरह अपनी रहमतें नाजिल फरमा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। पांच हक मैंने बयान की और छठा हक ये है औलाद पर माँ बाप का, छठा हक इन दोनों आयतों में जो बयान किए गए मैं सिर्फ उनका जिक्र कर रहा हूँ। एक हक ये है कि अल्लाह करीम की बारगाह में गाहे बगाहे वो जिंदा हो तब भी, माँ बाप जिंदा हो फिर भी, अगर दुनिया से चले जाएं तो फिर भी एक काम किया करो। कुरान ने कहा, वो काम क्या है? अपने रब की बारगाह में हाथ फैला के अर्ज किया करो, इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ मेरे रब परवरदिगार मेरी माँ पर मेरे बाप पर इस तरह रहमतें नाजिल फरमा जिस तरह उन्होंने बचपन में मुझे पाला था। कमा रब्बयानी सगीरा, जब मैं छोटा सा बच्चा था
मेरी माँ ने, मेरे बाप ने मुझे संभाला, मेरी परवरिश की, मुझे पाला, इसी तरह मेरे माँ बाप पर रहमतें नाज़िल फरमा। इन आयात मुबारका में सूरह बनी इसराइल की वालिदैन के मकाम और मर्तबा और औलाद को माँ बाप के लिए जो छह काम करने चाहिए, छह काम उनका मैंने तरतीब से इन दोनों आयतों की रोशनी में बयान कर दिया। माँ बाप का इतना मकाम कि अल्लाह करीम की इबादत के बाद सबसे बड़ा हक बंदे पर जो है वो माँ बाप का है। अब मैं चंद अहादीस की तरफ आता हूँ और फिर कुरान मजीद की दो आयात आपकी खिदमत में मजीद पेश करूंगा। ये हदीस शरीफ बड़े गौर से सुनने वाली है, जितना इस दोनों आयतों को हमने पढ़ा, उनका तर्जमा और उनकी तफसीर हमने सीखी और समझी, इस हदीस को गौर से सुने। इस हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा हैं रदी अल्लाह ताला, और ये मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। जो हदीस शरीफ बुखारी में भी हो और मुस्लिम में भी हो उसे कहते हैं मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस। इमाम बुखारी भी लाए हैं, इमाम मुस्लिम भी इसे नकल करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस शरीफ के रावी हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तीन मरतबा फरमाया, तीन मरतबा रागिम अन्फु रागिम अन्फु रागिम अन्फु, तीन मरतबा फरमाया। अब अगर ये जुमला खबरिया हो तो इसका माना ये है कि वो ज़लील और रुस्वा हो गया, उसकी इज्जत खाक में मिल गई, उसकी नाक खाक आलूद हो गई। अगर जुमला खबरिया हो तो फिर ये माना है, अगर ये जुमला इंशाइया हो फिर माना ये है कि उसकी नाक खाक आलूद हो, उसकी इज्जत खाक में मिल जाए, वो तबाह बर्बाद हो जाए। तीन मरतबा हुजूर ने ये फरमाया। सहाबाए किराम ने अर्ज की, हुजूर ये किसके लिए फरमा रहे हैं? तीन मरतबा आपने फरमाया वो जलील हो गया, वो रुस्वा हो गया, उसकी इज्जत खाक में मिल गई। हुजूर ये किसके लिए फरमा रहे हैं? गौर से सुनने वाली हदीस है, तवज्जो मेरी तरफ रखें। सरकार ने अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन अदरा का अबवैहि इंदल किबर वलम यदखुलिल जन्ना, जिसने अपनी जिंदगी में बूढ़े माँ बाप को पाया और जन्नत का हकदार न बना। जिंदगी में माँ बाप बूढ़े हो गए तो फिर भी जन्नत ही नहीं बना, न उनकी खिदमत, न उनका एहतराम, न उनकी ताजीम, कोई काम भी नहीं किया। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि जो शख्स बुढ़ापे में माँ बाप की इज्जत करता है, एहतराम करता है, तौकीर और ताजीम के साथ साथ उनकी खिदमत करता है, तो ये जन्नत में जाने का आसान रास्ता है। वो जन्नत में बराए रास्त जाएगा। इस हदीस से मालूम हुआ जिसने बुढ़ापे में माँ बाप की खिदमत कर ली, उन्हें संभाल लिया, बचपन में तुझे संभाला था माँ बाप ने, अब जब वो बूढ़े होंगे तू संभालेगा तो सिला इतना बड़ा मिलेगा, अल्लाह करीम तुझे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। बच्चे को कौन संभालता है? माँ ही संभालती है, बाप संभालता है। सकी फूफी भी हो, मासी खाला भी हो, चाची हो, कोई भी रिश्ता हो, वो औरतें नहीं संभालती, जितना भी करीबी रिश्ता हो। आप कभी आजमा लेना, किसी का बच्चा छोटा पेशाब कर देना, शादी ब्याह पे जाते हैं आप, औरतें इकट्ठी होती हैं, किसी का छोटा सा बच्चा जब पेशाब करता है तो वो सकी खाला मासी फूफी भी हो ना, वो कहती है ए मुंडे ने पेशाब किया, इनू संभाल आके, इनू संभाल। तो कौन संभालता है? माँ। और आधी रात को छोटे से बच्चे को तकलीफ हो तो हॉस्पिटल लेके कौन जाएगा? बाप जाएगा ना। सगा चाचा भी वो बच्चे का, वो भी कहता है बड़ी सर्दी है मेरे को नहीं जाया जाता, ले जाए नुसाम। कुरान मजीद में बताया गया कि माँ बाप की खिदमत का आपको कोई हक अदा कर ही नहीं सकता, इसलिए कि तेरे जन्म देने में माँ बाप ने तेरे लिए जो तकलीफें उठाई हैं
और तुझे पालने में जो माँ बाप ने दुख सहे हैं, तकलीफें सही हैं, तू क्या खिदमत कर सकता है माँ बाप? जितना भी कर लेगा उनकी खिदमत का हक तू अदा कर ही नहीं सकता। जब खिदमत का हक अदा नहीं कर सकता तो ये दुआ मांगा कर, रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। या अल्लाह मैं तो जितनी भी खिदमत करूं हक तो अदा नहीं होगा, तेरी बारगाह में इल्तिजा है, मेरे माँ बाप ने मुझ पर जो एहसान किया, मेरी परवरिश की, मुझे पाला, इसका बदला तू ही अपनी शान करीमी से दे। वो क्या है? हर लहजा हर लम्हा हर आन मेरी माँ पर मेरे बाप पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा। हुज़ूर ने फरमाया वो जलील और रुस्वा हो गया, उसकी इज्जत खाक में मिल गई। पूछा गया कौन? फरमाया जिसने जिंदगी में बूढ़े माँ बाप को पाया और जन्नत में ना गया। तो ये वालिदैन की इज्जत और एहतराम के हवाले से कुरान और हदीस की जो तालीम आज के दर्स में हम समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, इसमें से एक हदीस शरीफ जितना मजमून मैंने बयान कर दिया है इसका खुलासा मैं एक हदीस की सूरत में पेश करता हूँ, फिर अगली हदीस इंशाल्लाह मैं अर्ज करता हूँ। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है और माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। वो बेटी बेटा जिंदगी में कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। ये कुरान और हदीस की तालीम का खुलासा है। वालिदैन को नाराज करके जो काम करोगे ना उसमें कभी खैर नहीं आ सकता। अगर माँ बाप तुम पे राजी हैं तुम्हारे जिस काम पे, जिस काम के लिए माँ बाप ने तुम्हें दुआएं दे दी, मैं गारंटी देता हूं तुम कभी नाकाम नहीं हो सकते। किसी से दुआ मत कराने की जरूरत है। वालिदैन जिंदा हैं, माँ बाप से दुआ कराया करो, क्योंकि औलाद के हक में जिस दर्द दिल से माँ दुआ करती है या जिस दर्द दिल से बाप दुआ करता है, दूसरा कोई उस दर्द दिल से दुआ कर ही नहीं सकता। पीरों की दुआएं लेते फिरते हैं, माँ बाप को नाराज किया हुआ है, क्या फायदा होगा तुम्हें बुजुर्गों की दुआओं से? माँ बाप तो तुम्हारे नाराज हैं और पीरों से दुआएं कराते फिर, तो उनको तो पहले राजी करो ना। इस कदर आला तालीम है दीन की, हम दीन से बहुत दूर चले गए, हमने इन बातों को भुला दिया। इन कौम के नौ निहालों को, बच्चों को कौन बताएगा कि वालिदैन का कितना मकाम है? कुरान मजीद में कई मकामात पर, बल्कि मैंने पिछले भी एक दर्स में अर्ज किया था कि कम अज कम कुरान मजीद की पांच जगहों पर, पांच मकामात पर अल्लाह करीम की इबादत के बाद जिस हक का जिक्र किया गया है वो माँ बाप का हक। कितनी जगह? पांच जगह। पांच मकामात कुरान मजीद में कमो बेश ऐसे हैं कि अल्लाह करीम की इबादत और बंदगी के फौरन बाद जिस हक का जिक्र किया गया है वो माँ बाप का हक। और इसमें फिर अगला पहलू जो है, जो माँ बाप दुनिया से जब रुखसत हो जाते हैं ना, मिशकात शरीफ में ये हदीस शरीफ है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु इस हदीस के रावी हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम की यह हदीस शरीफ गौर से सुने। मेरे आका करीम ने फरमाया जो शख्स वालिदैन फौत हो जाएं या उनमें से एक फौत हुआ है, बाप फौत हो गया या माँ फौत हो गई या दोनों फौत हो गए, हदीस शरीफ में है जो जुमे के दिन, जो जुमे के दिन अपने माँ बाप या दोनों में से एक फौत हो जाए उनकी कब्र पे जाए और जाकर कब्र की ज़ियारत करे और कब्र पर जाकर उनकी बख्शिश की दुआ मांगे, उस शख्स के लिए अल्लाह तबारक व ताला मग़फ़िरत लिख देता है। ये नहीं है कि माँ बाप फौत हो गए तो बस अब काम खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ। फिर हर जुमे फरमाया जुमे के दिन माँ बाप की कब्र पे जाके ज़ियारत भी कराओ और माँ बाप के लिए वहां जाके मग़फ़िरत की दुआ भी कराओ। और फिर आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के अंदर हम एक दुआ मांगते हैं जो कुरानी दुआ है,
जो हज़रत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की दुआ है और कुरानी दुआ है, वो कुरान मजीद की दुआ जो है वो हम हर नमाजी नमाज के अंदर पढ़ता है। इसे अंदाजा लगाएं कि औलाद के लिए माँ बाप कितनी बड़ी नेमत है कि नमाज के अंदर दुआ मांग रहे हैं, रब्बना अग़फिर ली वली वालिदैया, या अल्लाह मेरी भी बख्शिश फरमा, मेरे माँ बाप की भी मगफिरत फरमा, वलिल मोमिनीन यौम यकूमुल हिसाब, जिस दिन तू हिसाब कायम करे उस दिन मेरे माँ बाप की और हुजूर की उम्मत के तमाम ईमान वालों की मगफिरत फरमाना। तो दुआए मगफिरत वालिदैन के लिए ये नमाज के अंदर हम दुआ मांग रहे हैं, वालिदैन की मगफरत की, वालिदैन की बख्शिश की दुआ मांग रहे हैं। और ये दुआ जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है और कुरानी दुआ है जो नमाज के अंदर मांगी जाती है। लिहाजा हर बेटी और बेटे के लिए वालिदैन शमीम जन्नत हैं और उनका इतना ऊंचा मकाम है कि हुजूर ने फरमाया कि बाप तुम्हारा जो है ना ये जन्नत के दरवाजों में से दरमियानी दरवाजा है। बाप जन्नत के दरवाजों में से दरमियानी दरवाजा है और माँ के मुतल्लक फरमाया अल जन्नत तहत अक़दाम उम्महातिकुम, माँ की शान को आप सुनते ही रहते हैं, बाप की शान कोई नहीं बयान करता। जबकि ये दोनों हदीसें अगर मिला के पढ़ें तो आपको लुत्फ आएगा, फिर पता चलेगा कि बाप का भी मकाम है या नहीं है। हुज़ूर ने फरमाया तेरा बाप जन्नत के दरवाजों में से दरमियानी दरवाजा है और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जन्नत कहाँ है? सातों आसमानों के ऊपर। कुरान में लिखा है जन्नत सातों आसमानों के ऊपर है, तो हुजूर ने वो जन्नत वहां से उठाकर तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे रख दिया। इस्तियारे में बात की ना, इस्तियारे में कि जन्नत में जाना चाहते हो तो समझ लो बाप तुम्हारा जन्नत के दरवाजों में से दरमियानी दरवाजा, और जन्नत में जाना चाहते हो तो बाप की खिदमत करो, बाप की इज्जत करो, बाप की तज़ीम करो, इत्तराम करो। जन्नत में जाना चाहते हो, रब को राजी करना चाहते हो तो वालिदा का इत्तराम करो, ताजीम करो, खिदमत करो, क्योंकि जन्नत में जाने के अल्लाह करीम ने तुम्हारे लिए आसान रास्ते बना दिए हैं। वालिदैन माँ और बाप, पांच मकामात पर कुरान मजीद में यहाँ इकट्ठा जिक्र है, माँ और बाप, माँ और बाप, वालिदैन, वालिदैन। सूरह लुकमान और सूरह तगाबुन में अगर आप देखें तो एक बड़ा प्यारा नुक्ता सामने आता है। कुरान मजीद की उस आयत पर गुफ्तगू करने से पहले मैं आप